वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। बड़ी खबर, शाहजहानपुर से दबंगों का युक्ति पर कहर। शाहजहानपुर में पुलिसकर्मी द्वारा लव और धोखे का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी ने प्रेमिका को शादी का झांसा देकर 6 साल से संबंध बनाता रहा। चौंकाने वाली बातें कि 2 बार गर्भपात कराने के बाद भी शादी करने के बजाय वह प्रेमिका के साथ मारपीट करता रहा। ऐसे में पीड़िता ने एक बार फिर पुलिस अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी ने एसपीसीबी को जांच सौंपी है। यह मामला शाहजहानपुर में तैनात कांस्टेबल प्रवीण कुमार का है, जहां बलिया की रहने वाली युवती से करीब 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान कांस्टेबल प्रवीण ने युवती को शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस दौरान उसने घर में रहकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन उसने बच्चा ना चाहने की बात कहकर गर्भपात करवा दिया। और जब शादी करने का मौका आया तो उसने साफ इनकार कर दिया। जब वह शाहजहानपुर के एसपी से मिलने जा रही तो उसने मारपीट भी की। इस मामले में डीजीपी के आदेश से पीड़िता ने शाहजहानपुर के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी ने एसपीसीबी से जांच के आदेश दिए हैं। और मेरा शादी के जो डेट दिए थे 22 दिसंबर को, फिर 26 दिसंबर को यहाँ हुआ था। एसपी बंगले पे गए थे और वहाँ मैं फिर डीजीपी ऑफिस लखनऊ से हमें भेजा गया था। अभी हम आए हैं, अभी कप्तान साहब हमको मिले नहीं हैं। और ये मेरा मैटर काफ़ी दिनों से चल रहा है, हमेशा समझौता करा जा रहा है। मामला क्या है? ये कांस्टेबल है प्रवीण कुमार, और इनसे मेरा 2012 से इनके हमारा साथ रिलेशनशिप है। घर परिवार सब जानते हैं, इनके परिवार से आए दिन बात होती है। शादी का डेट भी पड़ा था, 22 मई को मेरी शादी थी और 7 मई को हमें मिलने लिए बुलाए थे और स्टेशन पे मारपीट किए, मोबाइल छीने। फिर हम बंगले पे जा रहे हैं, एसपी आपके को शाम को 7 बजे इन्हें ऑटो से खींचा, मैं मोबाइल छीने मारे और गालियाँ दिए। फिर वहाँ भी गए हम कप्तान ऑफिस के यहाँ, फिर साहब हमको रात में महिला कांस्टेबल भेजे, वहाँ गए हमने, वहाँ एप्लीकेशन दिया। फिर वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस में दिए हैं लखनऊ, फिर वहाँ से हमको भेजा गया है यहाँ कप्तान ऑफिस में। सर यही चाहते हैं कि मेरे साथ ये 6 साल हो गए और आए दिन 3 साल थे, कभी जून में दिन रखते हैं, कभी नवंबर में दिन रखते हैं, कभी जुलाई में दिन रखते हैं। अब ये कंटिन्यू कर, अब हम नई शादी करेंगे। सर इनके खिलाफ़ यही चाहते हैं, इनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे 6 साल से मेरा शोषण करते आ रहे हैं और लगातार आए दिन फ़ोन में बात करना, मिलना जुलना, आज अचानक ये कह रहे हैं, मारपीट तक की है हमारे साथ। क्या आपके साथ कोई गर्भ भी करवाया गया? जी जी, 2 बार हो चुका है। शाहजहानपुर में तैनात है, उसका आरोप है कि लव चैट्स धोखा का मामला सामने आया। इस मामले में क्या जांच की जा रही है? एक युवती के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया है और उस संबंध में उन आरोपों की जाँच की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब